जय श्री राम मिर्सा भाई। कुछ तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक नई वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि अपने सामान को सेफ कैसे रखना है, कॉपियाँ होगी, चार्ट पेपर हो गए, तो इसको सेफ कैसे रखना है, क्योंकि थोड़े दिन में हमारी कॉपियाँ जो है वो काली पड़ जाती है, उसके पन्ने धूल मिट्टी से। तो कई बार कमेंट आ भी रहे थे मेरे के, भैया बताओ किस तरह हमने सेफ रखना है चीज़ों को। तो जैसे मैं अपनी चीज़ों को सेफ रखता हूँ वैसे ही आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आपने मेरा टाइटल तो देख ही लिया होगा कि स्टेशनरी के बिजनेस में है 50% का मार्जिन। तो वो 50% का मार्जिन कैसे है, किस तरह से हम अपने शॉप की सेल को बढ़ा सकते हैं, किस 50% मार्जिन किस किस चीज़ में है, किस तरह हमारा काम बढ़ेगा, हम अपने खर्चे निकालेंगे और अपनी कमाई को करेंगे डबल। तो अब हम सोचें कि कॉपियाँ बेच के हम 50% का मार्जिन ले लें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप भी सोचोगे कॉपियों में 50% का मार्जिन कैसे आ जाएगा, पेंसिल में, पेन में कैसे आ जाएगा। तो क्या आइटम है जो हमने अपनी दुकान पर रखनी है जिसमें मार्जिन भी अच्छा है और हमारी स्टेशनरी के सामान के साथ वो चीज़ भी सेल होती है, क्योंकि मैं आपको हर बार वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैं सेल करता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे ही आपको दिखा दूँ जो मैं खुद ही नहीं बेचता और आपको दिखा दूँ चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जो मैं खुद सेल करता हूँ, जिसमें मैं खुद प्रॉफिट अपनी दुकान का निकालता हूँ, जिसमें मैं अच्छी खासी इनकम करता हूँ। तो आपको वही आइटम आज दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, मतलब आपको उसका पता लग जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों ये मेरी स्टेशनरी शॉप है जिसमें मैं वीडियो बनाता हूँ और जो आपको दिखाता हूँ हर तरह का सामान। और मैंने भी सामान हल्के हल्के ही बढ़ाना शुरू किया था और देखता रहा कि मुझे किस चीज़ में मार्जिन हो सकता है, मैं किस चीज़ से अपने काम को बढ़ा सकता हूँ और कैसे काम को अपने डबल भी कर सकता हूँ और मार्जिन भी अच्छा ले सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे मैं, पहले मेरे पे इतना सामान नहीं था लेकिन हल्के हल्के मैं अपने सामान को इतना बढ़ा दिया कि मुझे दो रैक और एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी जिसमें सामान ये भी भरा हुआ है और अंदर गोदाम मेरा भरा ही रहता है। मैंने आपको दिखा रखा है ये सारा जो सीजन का माल है वो पड़ा रहता है। तो दोस्तों आज आपको बता दूं कि ऐसी कौन सी आइटम है जिसमें हम अपनी दुकान की सेल को बढ़ा सकते हैं और हमें मार्जिन भी अच्छा खासा मिले। क्योंकि देखो कॉपियों में तो किसी में 10% का मार्जिन है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में 20 का है। तो हम कॉपियां भी कितनी बेच लेंगे, कितना ही मार्जिन निकाल लेंगे, कितना ही पेन बेच लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा सामान ऐड करना पड़ेगा कि जिससे कि हमारी सेल बढ़ सके, ठीक है। तो आज आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले हम आते हैं किट पे। अब कोई अगर अब आजकल क्या है, स्कूल जो खुल रहे हैं तो बच्चा क्या, नए स्कूल बैग, नई पानी की बोतल, नए टिफिन बॉक्स, हर चीज अपनी नहीं करता है, वो पुरानी चीज यूज कभी नहीं करता। तो अब जैसे सबसे पहले आते हैं किट। आपको किट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी दुकान पे किट नहीं है ना तो आपसे कोई सामान नहीं लेगा, ना वो कॉपी लेगा, ना पेन लेगा, ना पेंसिल लेगा। सबसे पहले आइटम बच्चा ही मांगेगा कि भैया किट, अपने मम्मी पापा से पेरेंट्स से ही कहेगा कि मुझे किट चाहिए सबसे पहले रखने के लिए। तो किट दिखा दो। सबसे पहले किट आती है आपकी ये कपड़े वाली अच्छी क्वालिटी की किट है। इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये किट है ज़्यादा सामान रखने के लिए। इसमें दो पॉकेट है, एक पॉकेट ये है और एक पॉकेट ये छोटे वाली है और एक पॉकेट ये बड़े वाली है। और इसको टांगने के लिए और पकड़ने के लिए, कैरी करने के लिए ये एक छोटा सा हैंडल बना रखा है कपड़े का। तो इसमें दो कलर मैं लाया हूँ, पिंक और ये पर्पल। मैं ज़्यादा नहीं भरता, मैं लिमिटेड हर डिज़ाइन के दो दो तीन तीन पीस ही लाता हूँ। मैं आपको बता दूँ, देखो ऐसे करके मेरे पे दो दो तीन तीन करके काफ़ी वैरायटियाँ मेरे पे आपको मिल जाएगी। तो इसको खोलने पे इसके अंदर है कि ये फोम का पीस निकला है, ये होता है कि कपड़ा ना दबे और अंदर अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है इसके अंदर। ये देखिए काफ़ी सारा सामान, जो बच्चे कहते हैं ना भैया हमें बड़ी किट नहीं चाहिए, जैसे वो चौड़ी वाली किट होती है नहीं लेते कि हमारे स्कूल बैग में नहीं आएगी, तो ये लेंगे। इसमें एक तो ये हो गया क्योंकि काफ़ी लंबा देखिए इसमें स्पेस है अंदर काफ़ी तक, और फिर सेकंड नंबर पे जेब दी हुई है और काफ़ी अच्छा इसका देखने में मतलब यूनिक सा डिज़ाइन है। इस किट को मैं 250 की भी सेल कर देता हूँ, 200 की कर सकता हूँ, 220, 230, मतलब 200 से 250 के बीच में इस किट को मैं सेल करता हूँ। कपड़े की ये किट है, ऐसी और भी किटें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और जिस रेट की आपको किट दिखाई है फिर आती है बॉयज़ वाली। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जब भी आप किट लेने जाएँ इसमें गर्ल्स और बॉयज़ वाली एक एक दो दो पीस करके मिक्स ले। आप एक ही तरह की साड़ी ले लोगे तो वो बेकार जाएंगी, क्योंकि आजकल फैशन चल गया है लड़कियाँ पिंक लेती है, लड़के ब्लू या कोई भी कलर ले लेंगे, उसमें लड़कियों का ये कोई यूनिकॉर्न या पैपा पे कुछ भी बना को, लड़के में स्पाइडरमैन, हुल्क, कुछ इस तरह के एवेंजर्स वगैरह चलते हैं। तो आपको इस तरह से ही लेनी है किटें। तो ये किट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी उसी रेट की किट है, ये होगी बॉयज में। इसमें भी डबल जिप दे रखी है, एक तो चिपकने वाला ये है, यहाँ पे चिपक जाती है, और ये डबल चैन है इसमें। इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है और अच्छा खासा सामान रहता है कपड़े में, ये किट है। और फिर आती है छोटी लॉक वाली, ये मैं 180 बता के इसे मैं 160 तक के ही सेल करता हूँ। इसमें लॉक लगा हुआ है, ये देखिए कितनी प्यारी किट है, लेकिन ये बड़ा साइज है, ये इसमें छोटा साइज हो गया। क्वालिटी में भी अपना आप फर्क आ जाएगा, अगर मानो कोई चीज 250 की है, ये मैं 160, 170, 180 की सेल कर रहा हूँ, तो क्वालिटी में भी अपना आप फर्क आ ही जाएगा। लेकिन आपको दोनों तीनों क्वालिटी की रखनी है, कपड़े में अच्छी और हल्की दोनों रखनी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सारी अच्छी ले आओगे तो हल्की
कोई मांगेगा तो आपके पास होगी नहीं, सारी हल्की लोगे तो कोई अच्छी मांगेगा आपके पास नहीं होगी, तो आपको दोनों क्वालिटी की लानी है। अब जैसे मैंने कपड़े में आपको दिखाई है, कपड़े में है इसमें एक आता है हार्ड प्लास्टिक था, ये मैं 180 की सेल करता हूँ, 170 की 160 की, पहले महंगी थी थोड़ी सस्ती हुई है तो मैं 160 तक इसको सेल कर देता हूँ। ये भी अच्छी क्वालिटी की, इसको भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिंगल चैन बनी हुई है, ये लड़कियों वाली है और लड़के वाली मेरे पे फिलहाल ख़त्म है, स्पाइडरमैन थी। लड़की वाली मैं दो ही डिज़ाइन लाऊँ, एक ये गर्ल वाली और एक ये यूनिकॉर्न वाली। इसके अंदर सिर्फ आप कोई चैन कुछ नहीं लगी है, बाहर चैन है, अंदर सिर्फ ये सामान रखने का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो लोग सस्ती किट मांगते हैं, ये गिफ्ट देने के लिए मांगते हैं, उसमें ये ज़्यादा चलती है क्योंकि देखने में चमकदार भी होती है। ये लगभग मेरे यहाँ से 80% 90% ये गिफ्ट में ही जाती है, वैसे लोग कम खरीदते हैं, गिफ्ट के लिए ज़्यादा जाती है ये, या फिर जिसे सस्ते किट चाहिए वो लेके जाता है, लेकिन बिक जाती है फिर भी कम रेट में, अच्छी चीज़ें बिक जाती है। फिर अगली किट है ये, मैं 300 कस्टमर को बता के इसमें 250 तक की मैं लास्ट मेरा जो है रेट वो 250 रहता है, इससे कम नहीं करता। फिर अगली किट ये आती है, आपको देखने में एक जैसी लग रही होगी, मैं भी आपको इसमें डिफरेंस बता दूंगा, इसमें फ़र्क दिखा दूंगा इन किटों में क्या है। ये वाली मैं 200 तक की 180 तक की लास्ट सेल कर देता हूँ, 220 बता के 180, और ज़्यादा हो जाए तो देख लेता है, ज़्यादा अगर कस्टमर ज़्यादा सामान ले रहे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन तीनों में साइज एक है, डिफरेंस बता देता हूँ इन तीनों में क्या है। ये तो होगी हार्ड प्लास्टिक में, ठीक है, ये होगी कपड़े में, कुछ हार्ड सा कपड़ा था, ये होगी कुछ अलग सी चीज़, कुछ मतलब कुछ अलग सा मटेरियल है, बहुत बढ़िया उभरा उभरा सा इसका प्रिंट है, उभरा हुआ इसका, लेकिन ये कपड़े में है, ये हल्की होगी, ठीक है। अब चैन में देख लो, इसकी चैन और इसकी चैन एक जैसी, ये देखिए चैन, ठीक है। अब इसकी चैन पे आ जाइए, ये देखिए बिल्कुल अलग सी मोटी चैन है, इसका रेट हमेशा अलग होगा। अंदर से देखिए कितनी प्यारी है, इसमें चैन भी आपको दी हुई है, इसमें आप पेन फंसा सकते हैं, यहाँ भी सामान रख सकते हैं, इसमें सिर्फ अंदर कुछ नहीं है कुछ भी, तो बच्चे जो है ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। मैं आपको बता दूँ, जो बच्चा होगा ना ज़्यादा सामान होगा, छोटी किट चाहिए तो वो ये लेगा, क्योंकि अंदर सामान ज़्यादा आ जाएगा और बाहर से प्यारी लग रही है। और इसको आप बाहर से गिले कपड़े साफ भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी साफ कर देंगे, लेकिन ये कपड़े वाली है ये थोड़ी गंदी हो जाएगी। ये क्वालिटी हल्की आ गई दोनों, ये होगी अच्छी क्वालिटी में, देखिए ये अच्छी क्वालिटी में, देख के ही आपको पता लग रहा होगा। फिर आती है बड़ी किट, अब मैं सारी किटें खोल के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा। ये जैसे मैंने आपको बढ़िया वाली अभी किट दिखाई थी, ये मोटी चैन वाली, ये वाली, ये अभी जो आपको दिखाई थी ये उसी में होती है, इनकी चैन लेकिन दूसरी तरीके की होती है सिंपल में, लेकिन अंदर से ये उसमें बड़े साइज दी है। ये मैं 250 रुपये की, 260, पहले मैं 300 से कम नहीं सेल करता, 320 300, अब मैं 250 तक की सेल करता हूँ क्योंकि इसके रेट थोड़े कम हो चुके हैं अब, इसलिए 250 तक 260 तक मैं इस किट को दे देता हूँ। और किटें जब भी आप ले तो उसको वहीं पर खोल के दुकानदार के सामने, दुकानदार को कहो भैया मैं चेक करके ही लूँगा, क्योंकि कई बार इनकी चैन निकल आती है ख़राब और कई बार इसमें अंदर का फटा हुआ कपड़ा होता है, तो आपको ये चेक करके ही दुकान पर सामने खड़े होकर वो खुद आपको चेक कराएगा और चेक करके ही आपको लानी है इन किटों को। ऐसे ही बड़ी किट में एक ही आती है, जैसे मैंने आपको ये दिखाई था ऐसे में ये बड़ी है, लेकिन ये कम सेल होती है, इसमें एक तो छोटा साइज है और अंदर सिंपल होती है, जैसे मैंने ये अंदर से सिंपल होती है ऐसे ये भी सिंपल होती है, लेकिन ज़्यादा जो है वो इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, एक तो ये पैकिंग में होती है, ये गिफ्ट में भी चली जाती है, इसमें सामान बहुत आता है, स्पेस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये भी आपको लानी है, इसकी डिमांड अच्छी खासी होती है। और कई लोग है पाउच मांगते हैं कि हमें पाउच चाहिए बड़ा, तो ये पाउच है, इसमें 50 रुपये का सेल करता हूँ। इसमें एक और है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, यह है सिंगल चैन वाला, 50 रुपये का आराम से आपका सेल हो जाएगा। फिर यह आता है डबल चैन वाला, ये मैं 60 रुपये का सेल करता हूँ, इसमें यहाँ भी चैन है और यहाँ भी चैन है, इसमें भी आप सामान रख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ये 60 और ये 50। अब बच्चा जब ये चीज़ लेगा ना या आपसे वो किटे लेगा तो वो आपसे पेंसिल, इरेजर और बतेरी चीज़ें लेके जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है एक ही दुकान पे सामान मांगता है या उनके पेरेंट्स भी कहते हैं भैया वहाँ चलो जहाँ हमें एक ही छत के नीचे सारा सामान मिले, अब हम पेंसिल बॉक्स कहीं से ले, बैग कहीं से ले, ये चीज़ कहीं से ले, वो चीज़ कहीं से ले, तो उसमें कस्टमर क्या है वो नहीं लेता, वो कहता हमें महंगा पड़ेगा, वो कहता हमें वहाँ से चीज़ लेनी है जहाँ हमें सबका क्या है एक बार रेट लग जाएगा हमें सस्ता पड़ेगा। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको पेंसिल बॉक्स भी दिखाए थे, अच्छे अच्छे ऐसे वाले भी दिखाए थे, कहाँ गए, इस तरह के डबल साइडेड वाले थे और भी थे, वो लगभग ख़त्म हो गए, ये वाला भी था, फोन वाला भी, ये खत्म हो गए। अब देखो माल खत्म हुआ पड़ा, एक तो लोग क्या है ऊपर नीचे कर जाते हैं, हमारा रात तक सामान जो है हाल हो जाता है, बार बार दुकान सेट करते रहो। तो पेंसिल बॉक्स भी और दिखाता हूँ आपको, क्योंकि बड़ा बच्चा तो लेगा किट, जो छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा सेकेंड क्लास थर्ड क्लास छोटे LKG हो गए तो वो मांगते हैं पेंसिल बॉक्स। अच्छा कई माँ बाप भी जो रिच हैं वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ लेके देते हैं, कई बच्चे भी और जिद करते हैं हमें तो अच्छा चाहिए, हमें गाड़ी वाला चाहिए, कैलकुलेटर वाला चाहिए, तो इस तरह की आइटम आती है, तो वो आपको दिखाता हूँ वो पेंसिल बॉक्स भी, चाहे आप दो दो पीस रखें लेकिन ला के रखें, क्योंकि देखो आपने चीज़ बेची, मैं कहता हूँ
₹50 की, कितने बचे 10 बचे या 15 बचे जो भी बचे। आपने चीज बेची ₹100 की 20 बचे, आपने चीज 150 की बेची ₹30 बचे, आपने चीज 200 की बेची 40 बचे। मेरा कहने का मतलब ये होता है जितनी महंगी चीज बेचोगे ना उतनी इनकम आपकी बढ़ती जाएगी। आप अगर ₹100 का आइटम खरीदोगे अभी बेच दी तो उसमें कम और जितना बचेगा, 200 की बेचोगे और बचेगा, 300 की बेचोगे और बचेगा, 400 की बेचोगे और बचेगा। तो इसी तरह करते आपकी सेल बड़ी बढ़ेगी, कमाई भी बढ़ती है। अब हम पहले ही सस्ती आइटम रख लेंगे तो उसका कुछ नहीं, वो आपके 5-10 रुपए बच गए, वो कुछ नहीं, वो आपके वैसे ही छोटी मोटी चीज में काट देंगे। अब आपने 10 रुपए पेंसिल बॉक्स में बचाए, उसने आपसे और सामान भी लिया, आपका बिल बना 610 रुपए, वो वैसे ही 20-30 और घटा देगा आपके। तो इससे अच्छा आप महंगी आइटमें भी रखो जो महंगी आइटमें भी आजकल चलती है। अब ये पेंसिल बॉक्स है, ये है, इसके पहिए अंदर है, ये बस वाला पेंसिल बॉक्स है, इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसे इसके यहाँ भी सामान रखा जाता है, यहाँ भी रखा जाता है, इसमें 1-2 वगैरह लिखे हुए हैं। और ये पहिए रखते दे रखे हैं, ये आपके फिट हो जाएंगे यहाँ पर और ये चलने वाली बन जाएगी। तो बच्चे ऐसे वाला बहुत पसंद करते हैं। इसमें भी 2-3 क्वालिटी आती हैं, एक तो ये आता है, ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये महंगा होता है, सबसे कम रेंज का ये है, ये महंगा है। इसको मैं बता दूं आपको, इसको मैं 150 रुपए का, 160 रुपए का सेल करता हूं, इसको मैं 280 से 250 रुपए सेल करता हूं। अब इसमें दिखा देता हूं, एक तो ये प्लास्टिक थोड़ा जो लोहा है ना, ये थोड़ा हल्का, मतलब मेटल जो है ये थोड़ा हल्का है, ये थोड़ा हार्ड में हो गया। फिनिशिंग भी इसकी अगर आप पास से खुद रख के देखोगे तो आपको अलग पता लग जाएगा फिनिशिंग में। और क्वालिटी भी देखिए, ये अलग ही क्वालिटी है, इसमें प्लास्टिक है, इसमें टोटल का टोटल मेटल है, प्लास्टिक थोड़ा बहुत ही है। अब देखिए ये इस तरह का है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का है। इसमें देखिए इस तरह का छोटी सी ट्रे भी बनी है, फिर यहाँ से भी खुल जाएगा ये, फिर ये यहाँ से भी खुल गया, फिर इसमें पहिए लगे हुए हैं, फिर इसमें क्या है, आप ये खोल लो तो इसमें पेंसिल शॉप करने के लिए, पेंसिल शॉप करने के लिए ये बना हुआ है, इसमें आप पेंसिल शॉप कर सकते हो। फिर अगर कचरा हो गया तो इस पहिए को आप खींचोगे, ये देखिए ये पहिया निकल आया, मतलब ये देखिए यहाँ से कचरा जो भी होगा वो इसमें निकल जाएगा। मैं आपको खोल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का पता हो, पता लगे आप ही नई चीज़ लाओ तोड़ दो। आपको हर चीज़ में क्वालिटी भी पता होना चाहिए, डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि क्या क्या फ़र्क होता है, क्या क्या रेट है। तो ये थोड़ा महंगे वाला इस तरह का इसमें शॉपनर फिट होता है। अब कस्टमर को हम कहीं दिए 250 रुपए का, वो कहेगा भैया 150 रुपए का तो पीछे मिल रहा है। अब उसे फ़र्क तो नहीं पता ना, जब इकट्ठा रखोगे तो फ़र्क मिलेगा। इसलिए अगर आप जो भी क्वालिटी लाते हो उसके साथ हल्की और अच्छी दोनों ही मेल आपको रखने पड़ेंगे, लड़का और लड़की वाले, अच्छा और हल्का। अब गाड़ी वाला कह देगा अब मेरे साथ यही हुआ था पीछे, भैया 150 का वहाँ मिल रहा है, मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ 150 वाला कौन था, बल्कि उसे 160 का 170 का मिल रहा, मैंने कहा यह 150 रुपए का देखो, उसने कहा भैया ठीक है यही था वो, और मैंने कहा देखो ये वाला 250 रुपए का। तो वही चीज़ है ना, अब ऐसे में बहुत सारी क्वालिटी आने लग गई है, बहुत सारी। और उसने कहा था कस्टमर तो कन्फ्यूज होगा, वो दुकानदार को भी कन्फ्यूज कर देता है। अब यार जनरेटर शुरू हो गया, फिर गड़गड़ शुरू हो गया, बड़ी मुश्किल था वीडियो बना रहा था। तो अगले आइटम है ये भी गाड़ी वाला, अब ये देखिए ये बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको भी आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। ये भी इसी तरीके है, देखिए ये भी इसी तरीके का है, और ये इसमें क्या खास है दिखा देता हूँ। इसमें खास ये है कि ये जो पीछे से बना है, इसको खींचो और गाड़ी ये चलेगी। अब लेकिन मैं एक हाथ से चला नहीं पाऊंगा, ये हल्का खींचा ये फर, ये वो देखिए चले, बस इतना ही, मतलब ज़्यादा नहीं चलती, ये थोड़ी बहुत ही चलती है। तो अगर इसे ज़्यादा खींचो तो कई बार टूट भी जाती है, इसलिए अगर आपको लानी हो तो लाओ, वरना मेरे हिसाब से इस तरह की शॉपनर वाली बेस्ट रहती है। ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप कोई भी एक ला रहे हो तो उसमें हल्की जरूर लाओ और अच्छी जरूर लाओ, मतलब अच्छी के साथ हल्की आपको रखनी पड़ेगी और हल्की के साथ अच्छी आपको रखनी पड़ेगी। फिर यह है पेंसिल बॉक्स अगला, इसमें क्या है नंबरिंग दिए हुए, नंबरिंग के दो, यह है लॉक कोड वाला। अब आप सोचो कि इसमें लॉक कोड कैसे पता लगेगा, ये इसमें देखो 1, 2, 3, ये बीच में एक बटन दिया, फिर 4, 5, 6 कोड होता है, ये 235, मतलब हर बॉक्स से अलग कोड होगा, 235 का कोड है, उसके बाद बच्चा इसे चेंज कर सकता है। एक तो इसका कोड हो गया, ये 260 रुपए का 250 रुपए का मैं सेल करता हूँ, 220 तक लास्ट मेरा होता है। और इसमें ये गेम भी है, ये क्या, ये इसको गोलियों का ऐसे ले आया, ये गोली आ गई ऐसे, और मैं अभी चला नहीं पा रहा क्योंकि एक हाथ से चलाने में दिक्कत होगी, ये हो गया ऊपर, ये गेम है। तो ये भी अच्छा बिक जाता है, लेकिन आपको अपने जगह के अकॉर्डिंग देखना है कि आप क्या चीज़ सेल कर सकते हो। लेकिन पेंसिल बॉक्स 37 आजकल चलते ही चलते हैं। आगे आओ भाई कैमरामैन, थोड़ा सा आवाज आएगी। अगले आइटम है ये वाला बॉक्स, जैसे किट मैंने आपको दिखाई बड़े वाली, तो ये बड़ा बॉक्स होता है, इसके अंदर ऐसे करोगे तो पेंसिल शॉप करने का यहाँ पर ऑप्शन होता है। और आजकल ये जो BTS वाले चल रहे हैं, ये बड़ा यूनिकॉर्न पैसा पिक तो है, लेकिन ये BTS बड़ा चल रहा है, इसमें ये इस तरह का आपको यहाँ पर आप पेंसिलें फंसा सकते हो और सामान रख सकते हो, और फिर आता है यहाँ पर, यहाँ पर भी आप रख सकते हो। तो बच्चे कहीं किट नहीं लेते, वो पेंसिल बॉक्स ही पसंद करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, तो इस तरह के आइटम चलते हो अपने। सेकेंड आइटम इसी के साथ ही अगला आ जाता है, इसको मैं 220 का सेल करता हूँ, ये आता है 300 रुपये सेल की आइटम। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे ऊपर ये
चाइनीज बने हुए हैं। अब क्या क्या नई नई कैटेगरी आ रही है, BTS वर्ल्ड के नाम पे आई है। इसमें आपको स्पेस इतना मिलेगा, ठीक है, और सेकंड नंबर पे स्पेस यहाँ भी इतना मिलेगा। अब इसमें क्या है, ये बटन खोलना, सामान रखने का आ गया, ये बटन खोलना, ये शॉर्पनर करने का आ गया, ये खोला सामान रखने का आ गया, और ये खोला, ये भी सामान रखने का आ गया। मतलब ये सामान में इसमें रखने के लिए स्पेस कम है, लेकिन ये फैंसी है, और फैंसी ये गिफ्ट वगैरह के लिए बहुत जाते हैं, तो ये अच्छे सेल होता है। 300 रुपये का मैं इसको सेल करता हूँ। अगले आइटम है ये बस वाला, ये देखने के लिए, देखने पे बस के डिज़ाइन का लगता है। ये मेरे पास ब्लू, मतलब पिंक कलर जो लड़कियों का फेवरेट होता है, और ब्लू कलर भी इसका पड़ा है मेरे पास। इसमें क्या है, पीछे वाइट बोर्ड पड़ा है, ये वाइट बोर्ड है इसके पीछे, और इसे आप खोलो तो इसमें सामान मिलेगा आपको पीछे लिखने के लिए। इससे आप मार्कर से पीछे लिख भी सकते हो, और इधर से आप मिटा सकते हो। इसमें शॉर्पनर, इरेजर, स्केल और पेंसिल पड़ा है। ये मैं 220 का सेल करता हूँ। ये सबसे बड़े आइटम मेरे को ही लगी है, ये बहुत बिकती है। इसमें प्लास्टिक वाला 130 रुपये, 110, 120 रुपये सेल में आते हैं। ये मैं 220, 200 तक के सेल करता हूँ। अगली आइटम अच्छी है ये, इसमें ये लड़की वाला डिज़ाइन है, लड़कों वाला ख़त्म है। इसमें ऐसे दबाओगे तो शॉर्पनर है, और यहाँ पे 3D सा एक डिज़ाइन दिया हुआ है लड़कियों के लिए। और अगले आइटम जो है वो इसमें, यहाँ से आप खोल लो, पहले यहाँ से आपको स्पेस दिखा दूँ। ये है इसमें कैलकुलेटर, ये देखिए, ये कैलकुलेटर है, बच्चा स्कूल में काम करने के लिए ले जाता है। इसके सेल चेयर वीक है, चल रहा है, ये कैलकुलेटर है, ये देखिए। तो ये इसे अगर आप चाहो तो ऊपर की साइड भी से ला सकते हो ऐसे, और नीचे आपका वो डिज़ाइन आपका नीचे आ गया। तो ये भी अच्छा सेल होता है, इसमें भी आप ला के रखें। इसमें लैंप वाला भी आता है, मेरे पे खत्म हो गया, यहाँ पे लैंप बना होता है, ठीक है। अगली आइटम आती है ये वाला, ये सस्ती आइटम है, ये मात्र मैं जानने वालों को 100 रुपये का देता हूँ। जो बच्चा मेरी वीडियो बना रहा है अगर वो लेने के लिए आएगा तो उसके लिए 100 रुपये का, वरना 120, 130, 150। इसके अंदर एक छोटी सी और कार निकलेगी, ये पेंसिल बॉक्स है, ये देखिए, ये ऐसा एक छोटी सी कार है, और इसके अंदर स्पेस भी है। ये अंदर चला गया, मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर चला गया, अभी दिखाऊंगा तो और लेट हो जाएगा। नीचे डबल स्पेस है इसके नीचे, और ये अच्छा सेल होता है कम रेंज में। फिर आते हैं ये वाला पेंसिल बॉक्स, पेंसिल बॉक्स बहुत है, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो मेन मैं बेचता हूँ। ये इस तरह का ऊपर से डिज़ाइन है, ये अंदर से आपको एक प्लेट मिलेगी, ये मैं 140 रुपये का सेल करता हूँ, 120, 130, 140। ये रखने बाद आप इससे डिज़ाइन बना सकते हैं, उसके बाद आप इससे कलर कर सकते हैं। हर पेंसिल बॉक्स में ये अलग तरह की ट्रे मिलेगी, ये वाली एक पेंसिल बॉक्स आपको और दिखाता हूँ, आप कैमरा मैन ही दे रहा अगर मेरे पे एक पीस अगर हाँ रह गया, ये एक पीस हो रहा है, इसे भी आपको दिखाता हूँ। ये सब वो आइटम है जो बिकने वाली है, आगे जब दोबारा छुट्टी के बाद स्कूल खुलेंगे तो ये और बिकेंगी। ये देखिए, एक तो बड़ा है, स्पेस में बड़ा है, काफ़ी बड़ा, इसके अंदर बड़ा और बड़ी डिब्बी निकली है। कार वाली में छोटी थी, कार वाली की क्वालिटी थोड़ी हल्की है, इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। इसमें ही बच्चों के लिए नंबरिंग वाले सर्व दिए हैं, और ऐसा इसमें स्पेस है। ये 200 रुपये का मैं सेल करता हूँ, और अच्छी खासी इसकी सेलिंग होती है, बढ़िया सेल होता है। ये लगभग मेरे पे सारे ही ख़त्म हो गए जितने। तो जो बच्चे आपसे किट वगैरह लेंगे वो क्या करते हैं, उनको सबसे बड़ा शौक ही होता है, जैसे लड़कियों का मेन, वो किरिंग जरूर लगाती हैं अपने स्कूल बैग पे भी, और अपने पाउच पे, अपने जो पेंसिल की किटें हैं, फैंसी, वो जब इतना महंगा सामान लेती हैं। ये किरिंग देखिए, मैं ये किरिंग मिक्स वाला रखता हूँ हमेशा, मिक्स वाला, मतलब मैं खाली ये नहीं कि एक ही कैटेगरी का पूरा 24 पीस का 12 पीस का पैकेट लिया हूँ, मैं हर बार अलग लगता हूँ, मतलब इसमें सारे मिक्स हैं। एक ही पैकेट में आपकी पूर्ति हो जाएगी, एक ही पैकेट में बच्चा इसलिए पसंद कर लेगा। आप अलग अलग लाओगे तो आपके पैसे भी बहुत खर्च होंगे, और आप कितनी वैरायटी पूरी करोगे। तो ऐसे ऐसे मैं पैकेट लेता हूँ, हर बार कोई अलग वैरायटी मिलती है। जैसे शूज़ हो गया, कितना प्यारा, देखिए शूज़ हो गया, ये देखिए, ये गुड्डा हो गया, ये भी गुड्डा है, पता है, इसमें अलग अलग काफ़ी वैरायटी इसमें मिलेंगी आपको, और बच्चा ये पसंद करता है। ये मैं जानने वाला जो फिर कहूँगा जो मेरी वीडियो बना रहा है उसके लिए 20 रुपये का, और वरना ये 30 रुपये का और 25 रुपये का मैं सेल करता हूँ। सेलिंग बहुत अच्छी है, इसमें छोटे मोटे टेडी बियर भी आते हैं, छोटे छोटे 20-30 वाले, वो मेरे को ख़त्म है, तो वो भी अच्छे खासे चलते हैं इसमें टेडी बियर। तो दोस्तों बतेरी वैरायटियाँ ये है टेडी बियर, आपको दिखा दूँ, ये टेडी बियर है, इसकी पन्नी गंदी हो गई लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ निकलेगा। ये स्कूल बैग में लगाते हैं, ये जो आपको छल्ले बताए हैं ये लगाते हैं पेंसिल बॉक्स पाउच वगैरह में, ये लगाते हैं स्कूल बैग में। आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस तरह के टेडी बियर लगाना, तो ये भी आपके अच्छे दिखेंगे, इसमें इनकम भी अच्छी है। तो अब क्या है, एक चीज़ बच्चा लेगा तो और वैरायटी है, काफ़ी बच्चा उस चीज़ को लेगा। तो दोस्तों यही चीज़ें जो मैं खुद सेल करता हूँ, जो अपनी दुकान की सेल को बढ़ाता हूँ। अब ये बच्चा खड़ा है, इसकी वीडियो बनाता हूँ। मेरी दुकान पे कैसा सामान मिलता है, मतलब मेरी दुकान पे बच्चे क्यों आते हैं, मैं रेट कम करता, मतलब कम रेट पे देता हूँ, अच्छे रेट पे देता हूँ, कैसा देता हूँ? सही मिलता है रेट वेट, और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है दुकान पे।
और कोई ऐसी दुकान है जैसी मेरी है दूर दूर तक, और कोई इस तरह सामान ढंग से दिखाता है जैसे मैं अपनी दुकान पे दिखाता हूँ? कौन नहीं दिखाता। तो ये बच्चा जब भी आएगा इसके लिए स्पेशल डिस्काउंट मेरी दुकान पे रहेगा, क्योंकि ये बच्चा मेरी बात भी मानता और आता भी रहता है। तो भाई अब वीडियो दोबारा कैमरा पकड़। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मेरी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।